जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, अभी अभी सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साथ के साथ जो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके भी मैं आपको आंसर करने वाला हूं। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों, बात करते हैं सबसे पहले जो नोटिस जारी किया गया है उसके बारे में। तो साथियों, जिन बच्चों के ऑड सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म फिल हो रहे थे और आप लोग किसी कारण से एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे, तो उन बच्चों के लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी ने एक और मौका दिया है। यानी कि यदि आप एग्जाम फॉर्म फिल करने से वंचित रह गए हैं तो आप फिर से अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके लिए आप 30 जनवरी से लेकर और 3 फरवरी तक अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। और यदि आप 3 फरवरी तक भी अपना एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं, उसके बाद में आप 4 फरवरी से लेकर और 6 फरवरी तक अतिरिक्त शुल्क के साथ अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है आपका 7 फरवरी। 7 फरवरी तक आप अपना एग्जाम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो साथियों, ये तो था नोटिस आपका। अब यहाँ पर बच्चों का कंफ्यूजन भी है, आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में ये पूछ भी रहे कि सर, हमारा जो नई शिक्षा नीति के तहत फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म फिल होना है तो क्या हमारे लिए भी होगा? नहीं, आपके लिए अभी एग्जाम फॉर्म ओपन नहीं है, ये आपके लिए नहीं है। जैसे ही आपके लिए नोटिस होगा, जैसे ही आपके लिए डेट आएगी, तो उसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। तो उसके लिए आपको अभी वेट करना है। हो सकता है फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपके फॉर्म भी आ जाए, लेकिन अभी आपके लिए फॉर्म नहीं है। जो नई शिक्षा नीति के तहत आपके फॉर्म फिल होने हैं, तो उसके लिए आपको अभी वेट करना होगा। अब आगे बात करते हैं जो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बारे में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक मेरा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है तो सबसे पहले फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। चाहे आप इंस्टाग्राम या कोई और चीज फॉलो करें या ना करें, लेकिन फेसबुक पेज आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर आपको जितनी भी न्यूज आती है, उनकी न्यूज़पेपर की कटिंग, जो भी आपके नोटिस जारी होते हैं, वो वहां पर ये सब सारी चीजें आपको अपडेट मिलती रहती हैं। टाइम टू टाइम मैं उनकी अपडेट करता रहता हूं। तो फेसबुक पेज आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इससे आगे बात करते हैं जो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बारे में। तो साथियों, बच्चे जो सबसे ज्यादा परेशान है, वो परेशान है अपने जो प्राइवेट के फॉर्म है उसको लेकर, कि हमारे प्राइवेट के फॉर्म कब से आएंगे, हमें अपना एक्स भरना है, बैक भरना है, या हमें फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरना है, या हमें एमए के लिए अप्लाई करना है। तो साथियों, प्राइवेट के जो फॉर्म है आपके, वो 10 फरवरी के आसपास से आने वाले हैं। हो सकता है 10 से 15 फरवरी के आसपास में आपके फॉर्म आ जाएंगे। जैसे ही आपके फॉर्म आएंगे तो उसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जो आपके एक्स बैक भी भरनी है आपको प्राइवेट की, तो वो भी आपकी तभी फिल होगी, उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इससे आगे बात करें अपने एग्जाम को लेकर के, ऑड सेमेस्टर के एग्जाम कब से होंगे, ये सबसे ज्यादा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो साथियों, जो आपके ऑड सेमेस्टर के एग्जाम है, जो आपके प्रोफेशनल कोर्सेज के एग्जाम है, जिनकी डेट शीट 17 फरवरी से है, तो वो आपके 17 फरवरी से ही एग्जाम होने हैं। उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। और साथ के साथ जो आपके एग्जाम जनवरी से स्टार्ट होने थे, उनकी जो आपकी डेट शीट आपकी पोस्टपोन की गई थी, तो उसके लिए अभी नई डेट शीट जारी नहीं की गई है, लेकिन वो भी आपके एग्जाम लगभग 17 फरवरी के आसपास से ही स्टार्ट कराए जाएंगे। उसके लिए आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। अब जो आपके कोर्सेज, जो एनुअल कोर्सेज चल रहे थे, जिनका सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, कि सर हमारे जो एग्जाम है वो कब होंगे, वो भी बच्चे काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो साथियों, उसके लिए आपको जो वेट करना होगा, वो आपके लगभग मान के चलेगा मार्च के लास्ट या अप्रैल में आपके एग्जाम वो कराए जाएंगे। तो आपके एग्जाम आपके मार्च के लास्ट या अप्रैल में आपके वो एग्जाम होने हैं जो एनुअली सेकेंड ईयर और आपके थर्ड ईयर वाले हैं। तो उसके लिए भी आपके मैं वीडियो अपलोड करूंगा जैसे ही उनके फॉर्म आएंगे, अभी तो एग्जाम फॉर्म भी उनके फिल नहीं हुए हैं। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं, और एक और आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप लोग अपने करियर को लेकर बहुत चिंतित हैं कि हम कौन सा कोर्स करें जिससे हमें जल्द से जल्द जॉब मिले, हमारा करियर जल्द से जल्द सेट हो जाए। हमें ट्वेल्थ किया हुआ है या ग्रेजुएशन किया हुआ है, लेकिन अभी तक हमें जो जॉब है वो नहीं मिल पा रही है। तो आज मैं आपको एक ऐसा कोर्स लेकर के आ रहा हूं जिससे आपको बहुत जल्द जॉब मिलेगी और आपको उसमें इंटरेस्ट भी रहेगा। तो उसके लिए बहुत जल्द मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो उसके लिए आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।